इंस्टाग्राम इंगेजमेंट स्टोरी हैक्स। यस गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे पता है कि आपको चाहिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। आज किसे नहीं चाहिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सभी को चाहिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, बट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाए कैसे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ स्टोरी हैक्स कि आप उन चीजों का यूज करके अपने फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको रहना होगा कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो मैं आपको जो भी ट्रिक्स बताने वाला हूं आज इंस्टाग्राम स्टोरी से रिलेटेड, तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो आपको रहना होगा कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो 100% वो जो ट्रिक्स हैं वो आपके लिए 100% काम करने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हो उन ट्रिक्स को तो इस वीडियो को देखना आपको लास्ट तक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय नेम इज टी एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एज यू नो ऑल गाइस। तो अगर आपको बढ़ाना है एंगेजमेंट तो आपको स्टार्ट करना है वीडियो स्टोरी। यस गाइस, वीडियो स्टोरीज। इसका मतलब क्या है, आपको लेना है अपना फोन और आपको रिकॉर्ड करना है पूरे 15 सेकंड्स की वीडियो ऑन योर स्टोरी। और ज्यादातर यही ट्राई करना है कि आप अपनी जो स्टोरी है एज अ वीडियो फॉर्म आप क्रिएट कर सको। जब आप वीडियो फॉर्म क्रिएट करते हो तो होता ये है कि यूजर आता है और आपके वीडियो को इंटरेक्ट करता है। क्यों करता है, बिकॉज वीडियो में चीजें बदलती हैं और उसको ऐसा लगता है कि आगे 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 क्या होने वाला है, तो वो आपकी वीडियो को पूरा देखता है। इसी की तुलना में अगर आप फोटोज की बात करो तो जब आप फोटोज डालते हैं तो वो एक ही नजर में फोटो को देख लेता है, तो इंगेजमेंट और रिटेंशन नहीं बन पाता है। बट जब वीडियो डालती है तो वो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखता है। तो आप यूज कर सकते हो 15 सेकेंड की वीडियो इन योर स्टोरी टू मेक लॉट एंड अलॉट ऑफ इंगेजमेंट विद योर इंस्टाग्राम स्टोरी। तो गाइस, जो नेक्स्ट है गाइस, दैट इज कॉल्ड आस्क क्वेश्चंस टू योर फॉलोअर्स। यस गाइस, पीपल मच एंड मोर लाइक टू गिव आंसर्स एंड ऑल्सो प्ले द क्यूज। ओके, तो जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो तो उनसे कुछ यस नो नो यस ऐसे स्टोरीज क्रिएट करो, लाइक आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, यस और नो। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो। सो उनसे पूछो कि आप कैसे लग रहे हो, यस या नो, प्लीज कमेंट यस या नो। तो वो वहां के आएंगे, बटन पे दबाएंगे यस एंड नो। तो ऐसे क्या होगा, आप उनके साथ और भी इंगेज करोगे अपने पिक्स के साथ। हालांकि आप, मुझे पता है कि आप पिक डाल देते हो एंड कुछ कैप्शन दे देते हो, ये भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, आपको कैप्शन के साथ हमेशा यस या नो का बटन देना है, बिकॉज पीपल लाइक टू गिव देयर ओपिनियन। तो आप उनको उनका ओपिनियन देने का पूरा मौका दो। तो गाइस, जो थर्ड है, गिव देम फ्रीडम टू ask anything। yes guys, ये option जो आपको दिख रहा है, ये भी option आपके पास है, तो कभी हफ्ते में एक दो बार ये option डाला करो और बोला करो कि आप जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं, like आप मुझे गाली भी दे सकते हैं। तो गाइस, आप ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे, कभी भी कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हैं, लाइक आप जो मन में है वो मुझसे पूछो, या आपके प्लान से रिलेटेड चीजें पूछो, या आपसे रिलेटेड चीजें पूछो, या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछो, या किसी नीड से रिलेटेड चीजें पूछो। वॉट एवर गाइस, आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके दिमाग पे कि आप कितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि लोग ज्यादा सोचे कि आपसे कुछ ना कुछ उनसे पूछना है। तो ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या चीज उनके सामने रखते हैं कि वो ऐसा ही रिएक्ट करें। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज यूज दिस ट्रिक, बिकॉज ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ टिप। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप गाइस। यस गाइस, अगर आपको इंस्टाग्राम में एक बहुत अच्छा और एक बहुत रियल फैन बेस क्रिएट करना है तो आपको ये फोर्थ टिप जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो वो क्या है, इंटरेक्ट विद देम रैंडमली। यस गाइस, इंटरेक्ट विद देम रैंडमली। इट्स मीन, आपने देखी होगी वो आइडिया की एड, जब वहां पर बोलते हैं कि चलो फेक बंद करें अब रियल बने, लाइक दैट। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ भी कैसे भी कपड़ों में फोटो खींचते हैं उन लोग और डाल देते हैं। वो आइडिया की एड आपके दिमाग में जरूर इस समय आ रही होगी, कुछ भी फोटो खींचते हैं और वो प्लेस कर देते हैं ऑन सोशल मीडिया। तो उसमें क्या होता है, उसमें रियलिटी दिखाते हैं, ठीक है, फेकिज्म को बंद करते हैं। लाइक जैसे अभी आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, कोई हर लोग अपने आप को लग्जरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो यही मार खा रहे हैं, बिकॉज यहाँ वो रियल फैन बेस नहीं बना पा रहे हैं और आपको बनाना है अपना रियल फैन बेस। तो इंटरेक्ट विद देम
रेंडमली, इट्स मीन आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, रियल फोटो शेयर करने की कोशिश करो, लाइक आप कहीं काम कर रहे हो तो वो शेयर करो, आप कहीं घूम रहे हो रेंडमली कुछ भी लोअर पहने हो, टी शर्ट पहने हो, चप्पल पहने हो, वो शेयर करने की कोशिश करो, बिकॉज पीपल वॉन्ट रियालिटी। यस गाइस, आपको लग रहा होगा कि लोग ऐसा नहीं चाहते कि उन्होंने लग्जरी कार दिखाओ, ये दिखाओ, नहीं, पीपल वॉन्ट रियालिटी। जितना ज्यादा आप रियल होगे उतना ज्यादा लोग आप पे भरोसा करेंगे, और बिलीव मी जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और वो आपको दिल से फॉलो करेंगे। तो यूज दिस टिप एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप। सो लेट्स गो नेक्स्ट। सो गाइस, जो लास्ट टिप है दैट इज कॉल्ड पुट एनीथिंग। यस गाइस, पुट एनीथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी पुट करो बट वहां अपना ओपिनियन लिखो। लाइक मैं जैसे करता हूँ कि मैं कुछ भी पुट करता हूँ बट वहां अपना नीचे एक अच्छा ओपिनियन लिखता हूँ कि मैं इसे लाइक करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो आपको भी ये चीज फॉलो करना है, बिकॉज पीपल वॉन्ट्स ओपिनियन, जजमेंट एंड ऑल। तो गाइस, ये पॉइजन जरूर है जजमेंट, बट अगर आप अपना ओपिनियन दोगे तो पीपल लाइक दिस। ओके, सो प्लीज गिव योर ओपिनियन विथ योर पोस्ट। हाँ, ओके, गिव देयर ओपिनियन विथ योर पोस्ट। अगर आप जब अपने पोस्ट के साथ ओपिनियन दोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, दैट इज कॉल्ड विचार। तो विचार जब दोगे गाइस तो आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा, बिकॉज जो ओपिनियंस है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस कभी भी किसी दूसरे का ओपिनियन किसी दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो जब आप ओपिनियन दोगे तो बंदा भी अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेगा, इट्स मीन कि वो आपको डीएम करेगा, बिकॉज वो आपको डीएम ही कर सकता है, वहां डीएम का ही ऑप्शन है नीचे। जैसे ही आपको वो टाइप करेगा तो वो आपके डीएम में जाएगा, इट्स मीन वो आपके डीएम पे कनेक्ट होगा और वहां से आप उसको मैन्युपुलेट कर सकते हो। आई नो दिस वर्ड इज नॉट गुड बट दिस इज द रियलिटी। पीपल ऐसे ही कर रहे हैं, लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बिकॉज डीएम तक लोगों को लेके आ रहा, देन उनसे अच्छी बातें करना, नॉट मैन्युपुलेशन। ओके, जस्ट आई गेव द वर्ड बट आई डिडंट मीन। ओके, बट आपको भी ऐसे ही करना है, आपको ये पांचों टिप्स को फॉलो करना है। अगर आप ये पांचों टिप्स फॉलो करते हैं तो बिलीव मी आप बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट गैदर करेंगे। बट आपको रहना है कंस्टेंट, अगर आप कंस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। दिन में 9 स्टोरीज कम से कम आपको डालनी है, 9 स्टोरीज इन अ डे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं लगी तो डिसलाइक करना, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं लगी तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड राइट योर ओपिनियन बिलो इन द कमेंट्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।